तो तेरे और मेरे घोटाले की जंग छिड़ी हुई है। पीएनबी घोटाले के लिए देश की दोनों मुख्य पार्टियां एक दूसरे पर आरोप मढ़ रही हैं, लेकिन अहम बात यह है कि इस घोटाले से मचे हड़कंप के बीच दो ऐसे शख्स सामने आए हैं जिन्हें सुनकर आपको भी लगेगा कि अगर सरकार वक्त रहते इन दोनों की सुन लेती तो फिर यह महाघोटाला ना हुआ होता। ये है दिनेश दुबे, इलाहाबाद बैंक के पूर्व डायरेक्टर। कांग्रेस के आरोपों का बचाव करने के लिए बीजेपी इनके नाम का जिक्र कर रही है और कह रही है कि घोटाला यूपीए राज में शुरू हुआ। लेकिन अब आप खुद दिनेश दुबे की बात सुनिए। उस समय था ही था ये, इससे कौन डिनाई कर सकता है? न यूपीए सरकार कर सकती है, न एनडीए सरकार कर सकती है। यूपीए सरकार से चला हुआ आरा कांड एनडीए सरकार में 10 गुना 50 गुना ज्यादा बढ़ गया। ये सब होने के बाद मुझसे ये कहा कि बैंकिंग व्यवस्था चलाने के लिए ये आवश्यक है कि आप इसके पार्ट बने, और अगर आप इसके पार्ट नहीं बनते हैं, तो आप रिजाइन दे जाएं। मैंने उसी समय फाइनेंस सेक्रेटरी को हाथ से लिख के रिजाइन दे दिया। मैं कंडीशन डालना चाहता था, उन्होंने कहा भाई आप अपने स्वास्थ्य के कारण से दो ताकि ये हम अप्रूव कर सके, अगर आप कारण डालोगे तो ऊपर तक जाएगा, वो ठीक नहीं है। इलाहाबाद बैंक के पूर्व डायरेक्टर के मुताबिक इस खेल में बैंक के अधिकारियों से लेकर बोर्ड सदस्यों तक सब शामिल थे। ये तो नीचे टॉप टू बॉटम मिली भगत है, ऐसा नहीं है कि ऊपर से दबाव नहीं हो। ऊपर से भी दबाव था, नीचे से भी प्रयास था, और ये सब मिलके हुआ। ये एक फैक्ट है कि ब्रांच से ये प्रस्ताव जोन में जाता है, जोन से प्रस्ताव हेड ऑफिस में आता है, हेड ऑफिस से बोर्ड में आता है, और बोर्ड से अप्रूव होता है। अच्छा। और बोर्ड जो होता है उसमें पूरी सरकार होती है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।